दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनसाइड सेल्स और आउटसाइड सेल्स के बारे में। एक्चुअल में ये होते क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है और अगर आप सेल्स प्रोफेशन से हैं तो क्यों आपके लिए इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। इनसाइड सेल्स दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इनसाइड इट मींस अंदर। जो सेल्स ऑफिस के अंदर रहकर क्रिएट की जाती है वो होती है इनसाइड सेल्स। इसमें हमें ऑफिस के बाहर नहीं जाना होता, सारा काम ऑफिस के अंदर ही किया जाता है। ये सेल्स हम कई सारे तरीकों से जनरेट कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, मैसेजेस, चैटिंग, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया, मीटिंग्स, कॉलिंग्स और ईमेल्स। इन सब के थ्रू हम इजीली इनसाइड सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी ओर है आउटसाइड। आउटसाइड मींस बाहर की ओर। जो वर्क हम ऑफिस से बाहर रह के करते हैं वो होता है आउटसाइड वर्क, और उस वर्क से जो सेल्स हमारी क्रिएट होती है वो होती है आउटसाइड सेल्स। दोस्तों इसके अंदर ट्रेवलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग है, मीटिंग्स है, कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्ट करना। तो दोस्तों इन सब के लिए सेल्स एग्जीक्यूटिव को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वो ट्रेवलिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जो इंश्योरेंस या लोन प्रोवाइड करती है। अगर किसी कस्टमर को नीड है, वो इंश्योरेंस खरीदना चाहता है, तो वो आपकी कंपनी में आता है, तो उसके साथ आपको मीटिंग करनी होती है, उसको जो इंश्योरेंस है उसके सारे बेनिफिट समझाने होते हैं, एक्सप्लेन करना होता है, कन्विंस करना होता है, और फाइनली अगर वो कन्विंस हो जाता है इंश्योरेंस को परचेज करने के लिए और वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो वहाँ पर जो सेल्स हमारी क्रिएट होती है वो होती है इनसाइड सेल्स। वहीं दूसरी तरफ कंपनी से कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव खुद चल के कस्टमर के पास जाता है इंश्योरेंस सेल करने के लिए, उसको उसके बारे में बेनिफिट बताता है, एक्सप्लेन करता है, कन्विंस करता है, फाइनली अगर वो कन्विंस होकर प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो वहाँ पर जो सेल्स क्रिएट होती है वो होती है आउटसाइड सेल्स। और दोस्तों इनसाइड सेल्स में सारा काम ऑफिस के अंदर होता है, इसमें ऑफिस के बाहर नहीं जाना होता, तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है जो ऑफिस के अंदर रहकर ही वर्क करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनमें टैलेंट है और वो ऑफिस में रहकर ही अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। जबकि आउटसाइड में पूरा काम बाहर ही होता है, ऑफिस में कोई वर्क नहीं होता है, उन्हें जो भी सेल्स क्रिएट करनी होती है वो ऑफिस के बाहर रहकर ही करनी होती है। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है जिन्हें ट्रेवल करना काफ़ी अच्छा लगता है, वो ट्रेवलिंग में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना, यही उनका काम होता है। एक जगह पर रहकर उन्हें कस्टमर को सेल करना नहीं होता, उन्हें अलग अलग जगह पर जाना होता है। दोस्तों अगर स्किल्स की हम इसमें बात करें तो जो इनसाइड सेल्स होती है उसमें कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए, और जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कम्युनिकेट करने का तरीका बेस्ट होना चाहिए, और कन्विंसिंग पावर भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि इंस्टेंट कस्टमर को आप अपने जो सर्विस प्रोडक्ट हैं उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। इसके अलावा ड्रेसिंग आपका वहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बिकॉज कस्टमर आपके सामने नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ जो आउटसाइड सेल्स होती है वहाँ पर हमें कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज वहाँ पर कस्टमर हमारे सामने होता है, फेस टू फेस हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज हमारी प्रॉपर होना चाहिए, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है ड्रेसिंग, वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज हम वहाँ पर कस्टमर के सामने होते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, सो वो हमें देखकर, हमारी ड्रेसअप को देखकर वो एक अलग से हमारे लिए इमेज बना लेता है अपने माइंड में, सो ड्रेसअप हमारा अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा एक स्किल्स ये भी होनी चाहिए कि जो भी ये जॉब करता है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जिसे अलग अलग स्टेट में जाना होता है, अलग अलग सिटीज़ में जाना होता है, तो वहाँ पर ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जिस सिटी में, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो ऑडियंस है उन्हें एक्चुअल में प्रोडक्ट की नीड है या नहीं है, सो ऑडियंस के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैंने सेल्स से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसकी लिंक आई बटन में दी है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।